और आपको बताया कि यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में भाई बहन की जोड़ी ने मेरिट में जगह बनाई है। दोनों का सिलेक्शन एसडीएम यानी के डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। बहन संध्या सिंह को जहां पहली ही कोशिश में कामयाबी मिली है, वहीं भाई विवेक सिंह तीसरे प्रयास में एसडीएम बने हैं। विवेक और संध्या के परिवार को दीपावली से पहले खुशियों का बड़ा तोहफा मिला है। भाई विवेक सिंह को मेरिट में 8वां स्थान हासिल हुआ है, बहन संध्या सिंह को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। विवेक और संध्या प्रयागराज शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मेजा इलाके के तेंदुआ कला गांव के रहने वाले हैं। बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, साधारण परिवार के हैं विवेक और संध्या, और यूपी बोर्ड के स्कूल से 12वीं की उन्होंने परीक्षा पास की थी, 12वीं की पढ़ाई की थी। सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला पहले बड़े भाई विवेक सिंह ने किया। बहन एक दूसरे के लिए गुरु का काम करते थे, जो हमारा वीक पॉइंट है वो हमें ये पढ़ा देती थी, और जो इनकी कमजोरियां हैं या जहाँ पे ये दिक्कत इनको हो रही है वहाँ पे हम इनकी मदद कर देते थे। इस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे के लिए मोटिवेटर और गुरु का काम किया और साथ मिलकर पढ़ते थे। पहला प्रयास था मेरा, तो पहले प्रयास में ही क्लियर हो गया, तो ये खुशी की बात है। अभी आगे नहीं मेहनत करना पड़ा, और क्योंकि भैया ने आगे भी दिया था तो उसने मुझे गाइड किया कि कैसे करना है, क्या करना है, और साथ में हम लोग सिलेबस को पकड़ के चलते थे और बुक ख़त्म करते थे, बुक के हिसाब से पढ़ाई करते थे, तो उस हिसाब से मतलब मेहनत की है ठीक ठाक, तो फिर हो गया। एक स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी काफ़ी सही थी, पता था कि ये करना है, ऐसे करना है, भटकाव नहीं था बिल्कुल। कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। डीएम और एसपी ने केदारनाथ में डेरा डाला हुआ है, मंदिर के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाएंगे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके लिए बहुत खास तैयारियां, प्रशासन अलर्ट पर, डीएम और एसपी ने वहीं केदारनाथ में डेरा डाला हुआ है। जाहिर सी बात है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा, और इसीलिए वो पहले से ही वहां पर पहुंचकर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहते हैं और अपनी आंखों से देखकर उसे सुनिश्चित करना चाहते हैं। 8:30 बजे सुबह केदारनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। 9 बजे रोप वे परियोजना की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। 9:15 बजे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन करेंगे, और इसके अलावा 9:25 पर आस्था पथ के विकास कार्यों की समीक्षा देखेंगे। 11:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, और 12 बजे रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। 12:30 बजे माणा गांव में सड़क और रोपवे का शिलान्यास करेंगे। 2 बजे अराइवल प्लाजा और झील के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो दूसरी बार बद्री विशाल के द्वार पहुंचेंगे बतौर प्रधानमंत्री, दूसरी बार बद्रीनाथ जाएंगे नरेंद्र मोदी। पहली बार 19 मई 2019 को बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे और वहां पर पूजा अर्चना की थी उन्होंने, गर्भगृह में जाकर भगवान विष्णु की आराधना की थी बद्रीनाथ में 2019 मई के महीने में, और अब दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर बद्री विशाल के दर्शन करेंगे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोपवे से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री केदारनाथ में और माणा गांव में, तो लागत जो आएगी वो भी मैं आपको बता रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।